हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दिल्ली में सीएम का स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारे पास अपार संसाधन, बस तरासने वालों की कमी। झारखंड के उद्यमियों ने कहा, पहले हमारी परेशानियों को तो जान लेते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शनिवार का झारखंड में उद्योग लगाने के लिए दिल्ली के स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वे वहां उद्यमियों के साथ चर्चा कर उन्हें झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे राज्य में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल चीज़ों को तराशने और वैल्यू एडिशन की व्यवस्था की कमी है, जिसे आप पूरा कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का झारखंड के उद्यमियों ने स्वागत किया है। झारखंड चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति दीपक मारू ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन चीज़ें घर से शुरू होती तो ज़्यादा बेहतर होता। जो उद्योग 30 से 40 साल से राज्य से चल रहे हैं, राज्य को रोजगार और राजस्व दोनों दे रहे हैं, अगर उसमें परेशानियों को जान लिया जाता है तो बाहर लोगों को समझाने में बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि उद्योग का ब्रांड एडवेस्टर राज्य के उद्यमी ही हो सकते हैं, कोई और नहीं। DMFT की राशि से स्मार्ट होंगे स्कूल, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, विद्यालय की मरम्मती पर खर्च होंगे 3.6 करोड़ 80 लाख रुपये से। PHC, CHC और HSE में सौर ऊर्जा की होगी व्यवस्था। रांची जिला खरीज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी परिषद की बैठक शनिवार को भी, इसमें इस मद में आने वाली राशि के खर्च की योजनाओं को तैयार किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस साल स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में 80 लाख रुपये से बैरमो और खलारी प्रखंड में एक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 HSE में सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन कराया जाएगा। मैकलुस्कीगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बाउंड्री वाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा में 3.6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अंतर्गत लाइब्रेरी निर्माण, स्मार्ट क्लास, विद्यालय की मरम्मति, बाउंड्री वाला शौचालय निर्माण, अतिरिक्त भवन निर्माण आदि का काम किया जाएगा। फुलवसिया रेलवे स्टेशन के पास हादसा। ट्रेन के इंजन में लगी आग, मालगाड़ी में लौट था कोयला, इंजन से बोगियों को अलग किया। बालूमाथ थाना क्षेत्र में टोरी सीफूड रेलखंड अंतर्गत फुलवसिया रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। मालगाड़ी फुलवसिया रेलवे स्टेशन से लौट रही थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने पानी के टैंकर से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इससे पहले कोयला लदे बोगियों को इंजन से अलग कर दिया गया। घटना की वजह स्पष्ट नहीं है, पर आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इंजन में आग लगी होगी। मालगाड़ी कोयला लोड कर आ रही थी, इसी दौरान उसके इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते आग में भाईवार रूप ले लिया। बालूमाथ के अमरवावड़ी पुलिस पिकेट के पीछे की यह घटना है। झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा पर चर्चा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय चर्चा का किया उद्घाटन। JTU की भूमिका पर एक्सपर्ट रखेंगे अपनी राय। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शनिवार को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। कार्यशाला का विषय झारखंड प्रदेश में व्यवसायी शिक्षा की चुनौतियों और संभावनाएं रखा गया। इसमें 25 रिसर्च पेपर पेश किए जाएंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला में झारखंड में व्यवसायी शिक्षा को बेहतर बनाने में झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। हर सत्र में 2 एक्सपर्ट स्पीकर होंगे। इसके अलावा एक सत्र पैन डिस्कशन का भी होगा। साथ ही जनजातीय संस्कृति को दर्शाने वाले सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की जाएगी। इमर्जिंग झारखंड से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर। बदलने का दावा सीएम हेमंत सोरेन की आज दिल्ली में हो रही उद्योगपतियों से मुलाकात।
झारखंड की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के दावे के साथ सोरेन सरकार ने इमर्जिंग झारखंड का आगाज कर दिया। कोरोना काल में संकट में आई राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी मकसद से सीएम दिल्ली गए हैं, वहाँ आज उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हो रही है। इस बैठक में इमर्जिंग झारखंड का खाका पेश होगा और योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। यह स्टेक होल्डर्स मीटिंग दिल्ली के ताज मानसी होटल में हो रही है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम सोरेन झारखंड की नई औद्योगिक नीति पर भी बड़े उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। झारखंड सरकार की कोशिश आने वाले कुछ वर्षों में 5 लाख नौजवानों को रोजगार और राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का योजना पर काम कर रही है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों को मजबूत किया जाना है। लैंड मैन्यूटेशन का आवेदन 1 माह से ज़्यादा लंबित रखा तो जुर्माना। जमीन का मैन्यूटेशन से संबंधित आवेदन को 1 माह से ज़्यादा समय तक रोकने पर अंचलाधिकारी से जुर्माना की वसूली की जाएगी। साथ ही अपील पदाधिकारी मसलन DCLR व ADC भी अगर आवेदन के निपटारे में विलंब करते हैं तो उन्हें भी जुर्माना का भुगतान करना पड़ेगा। निबंधन राजस्व भूमि सुधार विभाग के रेतदारों को राहत देने के लिए झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। जामताड़ा में दिनदहाड़े वारदाता। CSP संचालक से 3 बदमाशों ने लूटे 2.36 लाख रुपये से भरा बैग। बैग से आए थे लुटेरे मुरी पहाड़ी नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुर्ता गांव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र। संचालक से दहाड़े बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 2,36,000 रुपये लूट कर भाग निकले। बैग सवार 3 बदमाशों ने वारदाता को अंजाम दिया। पीड़ित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ित सुमन कुमार पंडित के अनुसार वह नारायणपुर SBI से 2,36,000 रुपये निकाल CSP या रहा था। रुपये को उनके बैग में रखा था। इसी दौरान बीच रास्ते में अपाची बैग पर सवार 3 बदमाश उनके पास आए और पिस्टल नोक दिखाकर सुमन कुमार को रुकवाए। इसके बाद रुपये से भरा बैग उससे लूट कर भाग निकले। 27 फरवरी को मिली थी नाबालिग लड़की की लाश। गर्भवती प्रेमिका दे रही थी शादी का दबा। प्रेमी ने दोस्त संग मिल की हत्या। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के बड़ेपुर बालू घर से कुशवा की रहने वाली नाबालिग लड़की की हत्याकांड का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। हत्यारोपी लड़की के प्रेमी और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह लड़की के गर्भवती हो जाने और शादी करने के लिए लगातार दबाव देना था। यह जानकारी SP संजीव कुमार ने दी। लड़की की लाश 27 फरवरी को मिली थी। SP ने बताया कि नाबालिग लड़की की हत्या उसके प्रेमी नीरज कुमार सिंह उर्फ नन्हे ने अपने दोस्त ओम प्रकाश सिंह के साथ मिलकर की थी। दोनों हुसैनाबाद के बारही गांव के रहने वाले हैं। मृतक गर्भवती थी व नीरज पर शादी के लिए दबाव दे रही थी। दोनों ने एब्रॉन्स की भी प्लानिंग की थी पर इसके लिए 10,000 रुपये चाहिए थे। ऐसे में नीरज ने प्रेमिका की हत्या की योजना बनाई। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।